نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया को जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह बताया है कि ये दुनिया जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए बनी है। ये मोटी बात है। ये इसलिए वो बंदा अल्लाह को अच्छा लगता है जो अपनी जिम्मेदारी पर कायम रहता है, और जो अपनी जिम्मेदारी पर कायम नहीं है उनकी फिक्र दूसरी है, अपनी दुनिया बनाने की। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, किसी भी झील में किसी भी जगह वो हलाक हो जाए मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। ये फरमाया कि जब उनकी फिक्र ही नहीं है अपनी जिम्मेदारियों की तो मुझे उनके कोई परवाह नहीं, वो कहीं अलग हो जाए। इसलिए ये बात अपनी फिक्रों में लेनी है कि हम दुनिया में जिम्मेदार हैं। एक एक आदमी जिम्मेदार है। किसका? अल्लाह के हुक्मों के जमीन पर पूरा करने का। एक एक आदमी इसको पैदा ही इसलिए किया है कि वो जमीन पर जब तक जिंदा रहे अल्लाह के हुक्मों को सामने रख करके अपनी जिंदगी गुजारे। एक एक आदमी, गरीब हो, मालदार हो, आलिम हो, जाहिल हो, ओहदेदार हो, मजदूर हो, कोई भी हो, एक एक आदमी जिम्मेदार है। दावत और तबलीग का यही मकसद है कि एक एक मुसलमान अपनी जिम्मेदारी संभाले कि मुझे अल्लाह ने माल दिया है, मुझे अल्लाह ने हयात दी है, मुझे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। ये है फिक्र करने की बात। बातें बनाने से काम नहीं होगा। बातें बनाएं, दुनिया के हालात सोचें, पढ़ें और फिर बातें बनाएं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अल्लाह से कुछ कराना हो तो उसके तरीके हैं। अल्लाह से कराओ, उसके तरीके हैं। देशों से नहीं होगा, ओहदों से भी नहीं होगा, किसी चीज से भी नहीं होगा। सब चीजें बेजान है अल्लाह की कुदरत के सामने। होगा तो अल्लाह की कुदरत से होगा, याद रखो। ये कोई रिवाजी बात नहीं कर रहा हूं। जो कुछ होगा वो किससे होगा? अल्लाह की कुदरत से होगा। सूरज अल्लाह की कुदरत से निकलता है और डूबता भी कुदरत से है। सुबह होती है कुदरत से, शाम होती है कुदरत से। कुदरत के नीचे है सब चीजें।
उसको हम भूल गए हैं। जी हाँ, जैसे वो अंधा आदमी उसी को खबर नहीं होगी सर, वो टटोलता है, वो टटोलता है, वो क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता तो वो टटोलता है, हाथ मारता है। ऐसा हमारा हाल हो गया कि हम अपनी कामयाबी जो है टटोल रहे हैं, कोई किस में, कोई कुछ में, कोई इसमें। ये सब अंधों की रविश है। एक ही आदमी आंखों वाला है, वो है जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको अल्लाह ने नजर दी है, उनको अल्लाह ने इल्म दिया है, उनको अल्लाह ने रहबरी दी है। वो बताते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो सही है। बाकी सब अंधे हैं। मुल्क का सदर है कि वो भी अंधा है, फैक्ट्रियों का मालिक है कि वो भी अंधे हैं, उनको अपने काम ये भी नहीं मालूम है, वो सब अंधे हैं। इसलिए दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं। दिन ब दिन बिगड़ेंगे। अनस इब्ने मालिक लोगों से कहते थे, अनस इब्ने मालिक के पास लोग गए, क्योंकि जो सूबे का हाकिम है वो बहुत जालिम है। ये उनसे कहा उस जमाने में कि सूबे का जो हकीम है वो बहुत जालिम। फरमाया सब्र कर लो, अभी हालात और बिगड़ेंगे। लिखा अभी हालात और बिगड़ेंगे, सब्र करो। इसलिए मेरे भाइयों, एक ही रास्ता कामयाबी का है, चाहे उसे रिवाजी तौर पर सुन लो और छोड़ के चले जाओ, या चाहे फिक्र के साथ लेकर अमल में लाओ। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है दीन के कामों को रिवाज बना देना, ठीक है, बस वो रिवाज पर हो गया, चलो। रिवाज पर कोई मदद अल्लाह की होती नहीं, क्योंकि रिवाज जो होता है वो कौमों की आदत होती है। शादी में उनके ये रिवाज है, गमी में उनके ये रिवाज है, ऐसा रिवाज पर कोई मदद अल्लाह की नहीं होती, क्योंकि रिवाज वालों को अल्लाह को राजी करने की नीयत भी नहीं होती, उनको तो अपना रिवाज पूरा करना है, तो मदद कैसे आएगी। मदद तो उस वक्त आती है जब अल्लाह राजी हो जाए, जब अल्लाह राजी हो जाएगा कि जब ही मदद आएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों से यह नसीहत की थी, एक मर्तबा जमा करके मदीने वालों से, ये देखो एक बात सुनो, एक बयान दिया था, उस बयान का एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा ये था, फरमाया मन असलह मा बैनहू व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहू व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। ये बात बताइए, ये जितने नीचे के मामलात खराब हो रहे हैं उसका एक ही इलाज है, वो क्या, ये अल्लाह को राजी कर लो, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आती है, ऊपर से आती है, नीचे से कोई चीज नहीं होती, सब ऊपर से, जैसे सूरज ऊपर से निकलता है, चांद ऊपर से निकलता है, उजाला अंधेरा जमीन पर ऊपर से होता है, ऐसे ही बिगाड़ के, बनाव के, बरकत के, मुसीबत के सारे फैसले ऊपर से होते हैं, वो हम भूल गए हैं, ये सब ऊपर से होता है। मखलूक भी अल्लाह की है और फैसला भी अल्लाह का है, कुरान शरीफ ये कहता है, मखलूक अल्लाह की और फैसला अल्लाह का, अल्लाह अपने मखलूक पर जो फैसला ऊपर से करेगा वो होगा। क्यों, ये दोनों काम अल्लाह के हैं, अला लहुल खल्क वल अम्र, याद रखो फैसला भी अल्लाह का और मखलूक भी अल्लाह की। मिसल मेरी जिंदगी है वो भी अल्लाह की, और मेरे बारे में मौत, हयात, बीमारी, तंदुरुस्ती, मालदारी, गरीबी, ये फैसला ये किसका,
मेरे माँ बाप का क्या नाम, मेरे बारे में अल्लाह का फैसला, क्यों मैं उसकी मखलूक हूँ, मुझे उसने पैदा किया है, तो उसी का फैसला मुझ पर आएगा, कोई दूसरे का नहीं चलेगा। कोई मुझे मारना मार डालना चाहे नहीं मार सकता, कोई मुझे जिलाना चाहे तो मैं वो नहीं जिला सकता, अल्लाह जिंदा रखेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह की मखलूक हूँ। तो अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। ये समझना जरूरी है। अला लहुल खल्क वल अम्र, खूब याद रखो, अला तंबीह के लिए है, खूब याद रखो कि मखलूक भी अल्लाह की है और फैसला भी, किसी का कुछ नहीं चलता, अल्लाह बड़े हैं, अपनी बड़ाई में सबसे बड़े हैं, अपनी कुदरत में सबसे बड़े हैं, अपनी नेमतों में सबसे बड़े हैं, सब बातों में कोई दूसरा बड़ा नहीं है। इसलिए हालात के बनने बिगड़ने का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की कुदरत से है, दुनिया की चीजों से नहीं है। ये कोई रिवाजी बात नहीं कर रहा कि हुकूमत होगी तो यू हो जाएगा, और पैसे होंगे तो हो जाएगा, और कुछ सब खाली बर्तन है। चाय की प्यालियां खाली ट्रे में लाओ तो चाय वाला चाय डालेगा तो भर जाएगी, नहीं डालेगा तो खाली रहेगी। कोई उसमें दूध डालेगा तो दूध से भर जाएगी, कोई उसमें छाछ डालेगा तो छाछ से भर जाएगी। खाली प्यालियां कुछ नहीं कर सकती, जो डालने वाला डालेगा उससे भरेगी। यह है नहीं बात कि भाई मुझे तो पानी पीना है, चाय नहीं पीनी है, मुझे एक कप पानी दे दो, वो पानी डालेगा तो वो पानी से भर जाएगी, वो खाली मूल्य हुए। ऐसे याद रखो ये बात कि दुनिया के तमाम असबाब अल्लाह के फैसले के सामने मुंह खोले हुए हैं, जो अल्लाह डालेगा वो होगा। ये बिल्कुल बात है। इसलिए कहते हैं हम अंबियाए किराम के, अल्लाह से करवाओ, तुम कहां तक अंधों की तरह टटोलोगे। अल्लाह से कराओ, ए अल्लाह ये कर दे। समझ में आए ना बात, मगर उसकी तौफीक नहीं है हमारे पास, हमारा रुख उधर नहीं है, हमारा रुख अल्लाह की तरफ नहीं है। नमाज में खाली मुंह कर लेते हैं अल्लाह की तरफ बस, फिर मामला हमारा अल्लाह ताला के साथ सही नहीं है। इसलिए अल्लाह नाराज है। जब अल्लाह नाराज होंगे तो ये इतनी नाराजगी इतनी सजा। फिरौन से अल्लाह बहुत नाराज था तो अल्लाह ने पूरी सजा दी। फलम्मा आसफहुम इंतकमना मिन्हु, कि जब उसने हमको नाराज किया हमने उसे बदला लिया, और उसको और उसके फौज को डुबा दिया, क्योंकि उसने मुझको नाराज किया। देखा फलम्मा आसफहुम इंतकमना मिन्हु, उसने मुझको नाराज किया था तो मैंने उससे बदला लिया और उसे डुबा दिया, उसकी ताकत ही खत्म हो गई। हुकूमतों की ताकत अल्लाह खत्म कर देते हैं, क्यों? अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। तो नाराज हुए तो वो ताकत खत्म हो गई, एक भी नहीं बचा। नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने अल्लाह को बहुत नाराज किया, फिर अल्लाह ने उसे बदला दिया, और अगर देखा तुमने उसमें कोई बचा, कोई नहीं बचा, खत्म। ये सब किस्से कुरान शरीफ में सुनाए हैं, और ये रहती दुनिया तक ऐसा ही होगा, ये वक्ती बात नहीं है, रहती दुनिया तक ऐसा ही होगा। इसलिए जरूरत इस बात की दोस्तों है कि हम अपनी जिम्मेदारी पर आ जाएं कि अल्लाह ने हम पर क्या जिम्मेदारी डाली है। हम तो अपनी राहत जरूरत में फंसे हुए हैं,
कि मेरी राहत मुझे मेरी जरूरत पूरी जाए फिर मुझको राहत मिले, ये दो बातें हैं कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए और फिर मुझको राहत मिले, आगे आगे कुछ नहीं है, आगे ध्यान जा ही नहीं रहा कि अल्लाह राजी है नाराज है, अल्लाह को राजी करना है तौबा करनी है, ये नहीं, बस मुझे मेरी जरूरत पूरी हो जावे और मुझे राहत मिल जावे, इसी को लेके ध्यान फिर रहे हैं। और जो असल जिम्मेदारी है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, अब कैसे मदद आएगी? तो कैसे हाजत कैसे हाजत भी नहीं पूरी होगी, क्योंकि हाजत पूरी करने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह जरूरत पैदा करता है वो ही पूरी भी करता है, अपनी मर्जी से कोई भूखा होता है? बोलो कि देखो मैं भूखा होकर बताऊं, जैसे आप खड़ा होकर बताएं, मैं खड़ा होकर बताऊं बैठ के बताऊं तो ये तो कर सकेगा कि बैठ के बताया खड़ा होकर बताया, लेकिन मैं भूखा होकर बताऊं वैसे कर सकते हैं? बोलो कि मैं देखो मैं भूखा होकर बताऊं कि नहीं हो सकता, मैं प्यासा होकर बताऊं, मैं बीमार होकर बताऊं, मैं तंदुरुस्त होकर बताऊं कि नहीं? ये दलील है इस बात की कि हाजतों को अल्लाह पैदा करता है, हम नहीं पैदा करते, मगर ये सब भूल गए हैं। ये जो परवरदिगार हाजत पैदा करेगा वो पूरी भी करेगा, फिर पूरी करने की दो सूरतें हैं, पूरी करेगा खुश होकर, पूरी करेगा नाराज होकर। पूरी करेगा लेकिन नाराज होकर करेगा, वो पूरी करेगा खुश होकर करेगा। जैसे जेल में कैदियों को खाना पीना दिया जाता है, दवाएं भी दी जाती है, हाँ, या कोई जेल में बीमार हो गया तो उसको सरकारी अस्पताल में पुलिस खुद ले जाएगी कि चलो तुम्हारी दवा करावे, होता ही नहीं होता? तो हुकूमतों से राजी नहीं है, हुकूमत का वो गुनहगार है, इसलिए उसको अपनी पाबंदी में रख करके उसको खाना भी देते हैं पीना देते हैं, और अगर कोई सियासी मुजरिम है तो अखबार भी देंगे सब चीजें देंगे, क्योंकि मुजरिम दो किस्म के होते हैं, अखलाकी और सियासी। तो हर एक के साथ अलग अलग है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है या अखबार भी है सब है, तो सियासी मुजरिम है पॉलिटिकल इस गुनाह में आए हैं, और वो चोरी करके गया है बदअखलाक है, तो इनकी सबकी जरूरतें पूरी करती है लेकिन खुश होकर नहीं, अपना गुनहगार बनाकर, ये लीडर है लेकिन सियासी, उसने कोई गुनाह किया है सरकारी तो उसको बंद करें, ऐसे समझो इसको कि अल्लाह नाराज होकर भी जरूरत पूरी करेगा, उसमें आपको कोई खैर बरकत नजर नहीं आएगी, उसमें कोई सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि नाराज है और आपकी जरूरत पूरी कर देंगे, बोले कि आपसे खुश है और आपकी जरूरत पूरी करेंगे, उसमें बरकत होगी, उसमें सुकून होगा। समझ ना रही बात? इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से अपना काम कराने का रास्ता वो आदमी के अपने आमाल है, आमाल ऐसे बनाओ कि अल्लाह तुम्हारा काम कर दे, ऐसे आमाल बनाओ कि अल्लाह तुम्हारा खुश होगा तुम्हारा काम कर दे, दो रकात पढ़ी और काम हो गया। जी हाँ, वादे हैं ऐसे, ये जो दो रकात नमाज पढ़कर ये दुआ मांगेगा इस दुआ पर हम उसके ये काम कर देंगे, वो काम नहीं करते, वो दुआ पढ़ते हैं ट्राई के लिए, दुआ ट्राई के लिए कि देखे पढ़ते हैं अब होता नहीं होता, वो ट्राई करते हैं, फिर जब नहीं हुआ तो दुआ भी छोड़ दी, फिर वैसे के वैसे हो गए,
ये है, ताल्लुक ही नहीं अल्लाह से। दावत का मकसद ये है कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, उसके तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत अल्लाह कहते मेरे हाथ में है, इसलिए मुझसे ताल्लुक पैदा करो। तुम्हारी तंदुरुस्ती बीमारी मेरे हाथ में, तुम्हारी गरीबी मालदारी मेरे हाथ में, फिर हमसे ताल्लुक क्यों नहीं पैदा करते? और हमको नाराज करके क्या मिलेगा? सब चीजें तो मेरे हाथ में है। समझ में आई दोस्तों बात? इसलिए अपने अमाल को बनाना ये सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने अमाल बनाओ, एक एक अमल पर अल्लाह के इतने इनामात हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। हदीस में है अल खैर कसीर कलील फाइलहु, ये खैर तो बहुत है अल्लाह की तरफ से लेकिन उसके लेने वाले थोड़े ही हैं। अल्लाह की तरफ से खैर बहुत है, अमलों पर बड़ी खैर मिलेगी। मिसाल के तौर पर कोई एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े जो पांच रुकू की सूरत है तो उसे 10 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। कितना? 10 मरतबा कुरान पढ़ना आसान है? 10 मरतबा 300 पारे हो जाएंगे। 300 पारे पढ़ना आसान है और यासीन पढ़े तो इतना ही सवाब मिलेगा। लेकिन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। वो सूरह यासीन पढ़े सुबह तो दिन भर की हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। ये कहा कि तुम्हारे दिन भर की हाजतों में खुदा मददगार होगा। ये बताया और ये सी खबर ही नहीं है। इसके दरवाजे पर जाएंगे, उसके दरवाजे पर जाएंगे, उससे वक्त लेंगे, उससे वक्त लेंगे और जहां था वहीं के वहीं। समझ में आई बात? इसलिए मेरे दोस्तों मुसलमान की जिंदगी तो अमाल वाली है, माल वाली नहीं। माल तो उसको अल्लाह अमाल की बरकत में देंगे। इसके अमाल अच्छे हैं, इसको बरकत के तौर पर अल्लाह माल भी देगा, बरकतें भी देगा, सब कुछ। असल उसकी जिंदगी अमल वाली है, वो नहीं है। जो असल था वो नहीं है। समझ में आई ना बात? इसलिए इसकी फिक्र करनी है कि मेरी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है। जितने नेमतें जितने असबाब अल्लाह ताला हमको देते हैं उसकी दो हैसियत है। एक हैसियत उन असबाब की है कि वो अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमको दी है, आंख है, कान है, जबान है, औलाद है, माल है, ये नेमतें हैं, इनाम है अल्लाह के, वो अल्लाह देते हैं बंदों, वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है और उसको ज्यादा चाहत भी है कि और मिले, क्यों अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो सामने नहीं है। ये जो नेमतें दी है अल्लाह ने, ये एक तरफ नेमतें भी हैं और ये अल्लाह की अमानतें भी हैं। ये माल अल्लाह की अमानत है, औलाद औलाद अल्लाह की अमानत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा कि हर आदमी की औलाद उसके पास अल्लाह की अमानत है। लोग औलाद मांगते हैं ना, औलाद नहीं होती, औलाद मांगते हैं, दुआ करो औलाद नहीं है। अल्लाह औलाद देते हैं, माल देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, ये नेमतें हैं। उसके नेमत होना तो सब समझ में, सबके समझ में आता, उसका अमानत होना समझ में नहीं आता कि अल्लाह की अमानत है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमने तुमको औलाद दी थी, क्या किया, उसे खाने कमाने पर लगाया कि मेरे बच्चे खाते पीते रहे। ये जज्बा है कि मेरे बच्चे खाते पीते रहे, चाहे वो हराम से खावे, हराम से खावे, हराम से पिए, मैं खाते पीते हो यार,
ये जज्बा है। तो अल्लाह को इसे क्या ताल्लुक है, ये तो सब खाने पीने वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह ने हमको नबियों वाली बातें सिखाई है क्योंकि हमें नबियों वाला काम करना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं दुआ, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, हे अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी जो औलाद हो मेरी नस्ल वो भी नमाज कायम करने वाली। मशहूर दुआ है, नबी जलनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सबको साथ लेकर जा रहे हैं, या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी, और मेरी भी मगफिरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा दे, तमाम ईमान वालों की मगफिरत फरमा दे। सबको साथ लेकर जा रहे हैं अल्लाह के पास। ये नबियों की जिंदगी, जो अपने लिए पसंद करेंगे वो दूसरों के लिए पसंद करेंगे। अल्लाह से मांग रहे हैं, सबके लिए मांग रहे हैं, हर ईमान वाले के लिए कि मेरी औलाद कैसी बने कि नमाज कायम करने वाली बने। इसने नबियों की बातें सुनाई, नबियों की दुआएं सुनाई, नबियों के किस्से सुनाए कि तुम नबियों वाले प्लेटफार्म पर रहो, वहां से गिरेगा तो फिरौन कारून इनका प्लेटफार्म है, दूसरा प्लेटफार्म नहीं है। नबी वाला काम दिया, नबी वाली दुआएं दी, नबी वाली बरकतें दी कि तुम्हारे साथ वो मदद होगी जो नबी के साथ होती है। क्यों घबराते हो? मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन ने अपनी हुकूमत की वजह से हजारों जादूगर खड़े कर दिए और मुकाबला हुआ। जादूगरों ने कहा मूसा को आज हरा देंगे, हमको क्या मिलेगा कि तुमको बड़ा ओहदा मिलेगा। हाँ, ओहदों से चलाना, मानों से चलाना, ये काफिरों का तरीका है। हुक्म से चलाना, ये नबियों का तरीका। समझ नहीं ना बात? तो कहा हम मूसा को हरा दें तो हमें क्या मिलेगा कि तुम्हें ओहदा मिलेगा, तुम मेरे खास आदमी हो जाओगे। फिर मुकाबला हुआ, तो आप सुना है आप लोगों ने, फिर मुकाबला हुआ, उन्होंने जादू दिखाया हजारों आदमियों ने और बहुत से सांप जमीन पर फिरने लगे, रस्सियां डाली तो सब सांप हो गए, लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को भी डर लगा, इंसान है। अल्लाह ने ऊपर से फरमाया ला तखाफ, मूसा डरो मत, कुलना ला तखाफ, मूसा डरो नहीं, इन्नक अंतला, तुम ही बुलंद होकर के रहोगे। ये कहा क्योंकि नबी के साथ अल्लाह की कुदरत होती है, नबी के काम के साथ अल्लाह की कुदरत होती है कि मूसा डरो मत, न इनके सामने से न इनकी हुकूमत से। तुम ऐसा करो कि जो लाठी तुम्हारे हाथ में है वो फेंको जमीन पर, ये हुक्म था। हमेशा हुक्म पूरा होगा कि कुदरत साथ होगी, हुक्म पूरा होगा कि कुदरत साथ होगी। नमाज छोड़ने के बाद कुदरत साथ होगी, नमाज तो पड़ी नहीं, वो पड़ी तो वो बिगड़ी हुई पड़ी है, अब कहां से कुदरत मिलेगी। हुक्म से वो लाठी डाली, उनके हाथ में थी, वो रहती थी उनके हाथ में, जब लाठी डाली तो वो बहुत बड़ा सांप हो गया, वो सारे सांपों को वो निगल गया, मैदान साफ, जादू खत्म। लेकिन जादू खत्म होना काफी नहीं था, जो जादू लेकर आए थे साथ देने के लिए उनका काम अभी बाकी था। कुदरती बात बता रहा हूं, एक सांप जो लाठी से बनाया वो सारे सांपों को निकल गया। जो कुरान शरीफ में वो जादूगर भी हैं सामने, वो देख रहे हैं कि हमारा जादू खत्म हो गया, तो वो समझ गए कि ये आदमी जादूगर नहीं है, इस पास कुछ के पास कुछ और है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पहले दावत दी थी मुकाबले से पहले, नबी का काम है वो अपनी दावत चलावे, हम अपनी दावत नहीं चलाते, जब दावत नहीं चलाते तो हमारे मदद भी नहीं होती।
जब अल्लाह दीन को, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए अल्लाह के बंदों में मेहनत करेंगे तो उसी मदद जरूर आएगी। पहले उनको दावत दी थी कि देखो तुम्हारे पास जादू है, कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जादू है, इस जादू को अल्लाह भी असर करेगा, समझ जाओ मेरी बात। ये कहा था कि अल्लाह इसको भी असर करेगा, मेरी बात समझ जाओ। लेकिन क्योंकि वहां से लालच थी तो जादू से लाया, फिर अल्लाह ने उसको भी असर किया, यानी सारे सांप खत्म हो गए। उनको दावत पहले से दी थी और अब उनका जादू भी असर हुआ, सारे जादू करने वाले सब ईमान ले आए। थोड़ी देर में हजारों आदमी ईमान ले आए, अल्लाह की कुदरत थे, उनके आदमी हो गए इधर, ये कुदरत कहलाती है। आए थे उसके इनाम पर, कौम के इनाम इनाम हमें ले आइए, हमें हमारे सामने हक बात रोशन हो गई है, इसलिए आज से हम हक किताबे हैं और वो मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है। तुम तो बातिल खत्म हो गया, हक गालिब आ गया, ये कुदरत से हुआ है। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ ये दो भाई मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम, उनके पास और कोई है नहीं, दो ही भाई है, तो ये कुदरत है। ये जब नबियों वाला काम होगा मेरे दोस्तों तो अल्लाह की कुदरत साथ आएगी, ये पक्की बात है कयामत तक। इसलिए किसे सुना है कि फिरौन की हुकूमत बहुत जबरदस्त हुकूमत थी, लोग उसे बहुत डरते थे और बहुत जालिम था वो, ये होगा जालिम, अल्लाह की कुदरत उससे भी ऊपर है। हाँ, हम अपना काम करें फिर देखना, कयामत तक यही बात होगी। जब हम अपना काम करेंगे अल्लाह अपना काम करेगा। हाँ, वो क्या काम करेगा कि अल्लाह अपनी कुदरत को ईमान वालों के साथ कर देते हैं कि अब मेरी कुदरत तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरा काम न छोड़ो, मेरे काम पर रहो, मेरे हुक्म पर रहो, मेरे नबी के तरीके पर रहो, ये सीधी बात है। फिर कि असर है तो जादू, हजारों जादूगर एक आन में सब ईमान वाले हो गए, लोग देखते ही रह गए कि हजारों आदमी एक वक्त में ईमान ले आए, सब सहाबी हो गए, सिद्धे में गिर गए। आए थे वहां के लिए और हो गए यहां के लिए, ये किसने किया? अल्लाह ने किया। जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसे हमसे भी कहा कि डरो मत हम तुम्हारे साथ, ये बात हमारे साथ भी है। क्यों? कि हम नबियों वाले रास्ते पर है, हमारा रास्ता फिरौन का, कारून का, हमन का, ओहदेदारों का, फैक्ट्रियों वालों का रास्ता हमारा नहीं है, माल वालों का रास्ता हमारा नहीं है, हमारा रास्ता तो नबियों वाला रास्ता, इसलिए हमारे साथ वो मदद होगी जो नबियों की। समझ नहीं ना बात, एकदम पलट जाएगी बात। आए थे फिरौन से इनाम लेने के लिए, वो इनाम विनाम की परवाह नहीं, के ईमान ले आए कि हमको तो ईमान चाहिए, इनाम नहीं चाहिए। एकदम बात पलटती है। तो ये किसने किया है? अल्लाह ने किया है। आज भी वही अल्लाह है। जब तक हम दीन पर नहीं चलेंगे कुदरत जाहिर नहीं होगी। हाँ, और जब तक हम दीन पर नहीं चलेंगे अल्लाह बातिल को फैल नहीं करेगा। नबियों की मेहनत से बातिल फैल होता है। जी हाँ, जितने बातिल तरीके हैं सब फैल, जैसे वो सांप, सब सांप खत्म हो गए, ये बातिल तरीके थे सब, सब खत्म हो गए। समझ में आई दोस्तों बात? हम अपनी नियामतों को नियामत भी समझें और अल्लाह की अमानत भी समझें। इस अमानत में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अल्लाह ने माल दिया है, तंदुरुस्ती दी है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए ये पहले सोचना चाहिए। ये नहीं कि मुझे इस माल से राहत लेनी चाहिए, वो बाद में है, मुझे इससे अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, ये पहली बात। इसलिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जितने दुनिया के लोग हैं, जिस किस्म के लोग हैं, गरीब मालदार सब, ये सबके लिए एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उनके तरीके पर जिंदगी आवे, और उनके तरीके पर जिंदगी लाने के लिए कि उनके काम का यकीन बनाना पड़ेगा,
कि जो बात और जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यकीनी तौर पर वही हक है, बाकी के बाकी सब बातिल है, मगर उसका यकीन पैदा करना पड़ेगा, अपने दीन के हक होने का यकीन, क्योंकि यकीन आदमी को चलाता है, यकीन नहीं होता तो नहीं चलता। कौन कहेगा ये मैं हूं लिवानू, हाँ जब किसी मिलने का यकीन हो तो ये मैं हूं लिवानू, ये आदमी का मिजाज है, अपने यकीन पर चलता है, माल का यकीन होगा तो माल की तरफ जाएगा, ओहदों का यकीन होगा ओहदों की तरफ जाएगा, जमीनों का होगा जमीनों की तरफ जाएगा, और हुक्मों का यकीन होगा तो फिर हुक्म पर जाएगा। इसलिए हमको एक मेहनत दी है अल्लाह ने अपने हुक्मों वाली, वो यकीन पैदा करने के लिए है। मैं ये नहीं कहता ये लोग मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, हाँ सब एक अल्लाह को मानने वाले एक रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। हम में जो कमी है वो एक तो अल्लाह के खौफ की कमी है, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर न होने की दलील यह है कि अल्लाह के नाफरमानी से बचते नहीं है, डर हो तो बचे। हाँ डर इसलिए पैदा किया है ताकि न करने की चीजों से बचे, डर का ये फायदा है कि देखो आप ये फला चीज को हाथ न लगाना, इसे दूर रहो, लिखा हुआ है इसको कोई हाथ न लगावे, हाँ खतरनाक है डेंजर है वगैरह वगैरह लिखते हैं, तो कोई हाथ नहीं लगाता, समझदार आदमी लगाता है, क्यों उसके अंदर इसका डर है, और डर पैदा करना जरूरी है किसका, अल्लाह का। कितना डर पैदा करना कि पागल हो जावे इतना डर के मारे, बाद में तब आदमी डर के मारे पागल हो जाता है, होश खत्म हो जाते हैं उसके, इतना नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे तू अपना इतना डर दे कि मैं तेरी नाफरमानियों से बच जाऊं, इतना डर होना जरूरी है कि जो अल्लाह के नाफरमानी से बचा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने से छोड़ने से बचा, इतना डर होना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को छोड़ना तोड़ना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, हलाल था हराम था वो भी कर लिया, फर्ज था वो भी छोड़ दिया, हराम को कर लिया फर्ज को छोड़ दिया, ये अल्लाह के गजब को उतारने वाली चीज है, अल्लाह का गजब उतरेगा, इसलिए अल्लाह का डर पैदा होना जरूरी है, जो नाफरमानी से बचावे, छोड़ने की चीजों को छोड़ा दे और करने की चीजों को करने पर लगावे, ऐसा डर होना चाहिए, ये ईमान का हिस्सा है, ये डर जो नाफरमानी से बचावे और अल्लाह के हुक्म पर ले जावे, ये डर होना ईमान वाले के अंदर जरूरी नहीं है तो पैदा करे ये डर। जैसे ताकत नहीं होती ना बदन में तो वर्जिश कराते हैं, इलाज करने वाले कि अभी वर्जिश करनी पड़ेगी आपको, फिर भी ताकत आ जाएगी, तो अगर डर नहीं है तो ये डर पैदा करने की मेहनत करो, ये वो बातें सुनो जो अल्लाह से डरा रही है, वो बातें सुनाओ दूसरों को जो अल्लाह से डरा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें सुनाई जो अल्लाह से डरावे, फजाइल की किताबों में यही बातें हैं अल्लाह से डराने वाली, कि कब्र में क्या होगा और कयामत में क्या होगा और जहन्नम में क्या होगा, और ये सब बातें हर आदमी के सामने आने वाली है, कोई बचेगा नहीं इस, अल्लाह का डर ये पैदा हो, दूसरा ये अल्लाह का यकीन पैदा हो, जिन बातों का अल्लाह ने वादा किया है और खबर दी है कि ये यूं है उसका यकीन आवे, उस यकीन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह के हुक्मों की मेहनत जितने करोगे तो बताया कि इतना अंदर यकीन आवेगा, नमाज से ये होगा, ज़कात से ये होगा, सच्चाई से ये होगा, दुआ से ये होगा, जी हाँ ये यकीन, इसी खबरें दी हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, मगर उसका यकीन नहीं है इसलिए करते नहीं है, और यकीन क्यों नहीं है, यकीन वाली मेहनत नहीं करते, यकीन वाली मेहनत करे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं, अल्लाह सब कुछ करने वाला है,
हाँ उबय इब्न काब सहाबी हैं, अंसारी, वो एकदम तो वो जा रहे हैं सफर में काफिले के साथ और लोग भी हैं, बारिश हो रही रास्ते में जंगल में, उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह ये बारिश हो रही है, ये तो सबके काम की चीज है, तेरी रहमत है, इसलिए ये तो न रुके, लेकिन मेरा सामान, मेरे कपड़े न भीगे। जंगल में है, बसों में नहीं जाते थे लोग, हवाई जहाजों में नहीं जाते थे, ऊंटों पर जाते थे या पैदल जाते थे, तो बारिश तो होती थी उन पर, लेकिन दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा सामान न भीगे, मेरे कपड़े न भीगे, बारिश तो होती रही, वो तो सबके काम की है, बारिश नहीं रुक रहे। जब काफिला मंजिल पर पहुंचा तो सब लोग भीगे हुए हैं, ये कोरे हैं, तो हजरत उमर ने पूछा कि ओ भाई तुम कोरे कैसे, कि मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी। ये कुदरत बताइए कि मेरा अल्लाह इस पर कादिर है कि बारिश भी हो और मुझे भीगने न दे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और अल्लाह ने जलने नहीं दिया। पढ़े लिखे से कुरान शरीफ में कि हुकूमत ने उनको आग में डलवाया और अल्लाह ने जलने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि आज आग अल्लाह के हुक्म के ताबे है, पानी हुक्म के ताबे है, बारिश हुक्म के ताबे है, इसको यकीन कहते हैं कि उनको यकीन था कि बारिश भी होगी और अल्लाह मुझे नहीं भीगने देगा, अल्लाह कुदरत वाला है। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा उनके कौम में, अपने कौम को समझाओ जाकर के, हम तो ऐसा नहीं करते हैं कि अपने कौम को समझावें, गश्तों में जावें, मुलाकातों में जावें, दावत देने जावें, तब इसलिए मदद नहीं आती, तो उनको अकेले को भेजा, उस वक्त लोग ज्यादा नहीं थे, उन्होंने जाकर अपने कौम में बात की, तो मुखालिफ हो गई कौम और दुश्मन हो गई कि तुम दूसरी बात लाए यहां, और उनका उनका पानी वानी सब बंद कर दिया, तो पानी भी नहीं पिलाएंगे, कैसे मर जाओ, ये हल कर दिया। और गर्मी का जमाना, क्योंकि मेरे पर पानी बंद कर दिया, और खाना खाना तो वो खाते थे, वो तो हराम खाना था, मुर्दार खाते हैं, तो वो तो मैंने खाया नहीं, और पानी मैंने मांगा तो दिया नहीं, अब बारिश वो सख्त गर्मी, वो मुझे प्यास लग रही है, और पानी इन्होंने मेरा बंद कर दिया, तो हमने सब्र किया और अपना कपड़ा लपेट करके मैं सो गया, जैसे रोजादार सो जाता गर्मी में प्यासा, तो मैं प्यासा सो गया। मैंने क्या देखा कि ख्वाब में कोई आया मेरे पास, प्याला है बहुत अच्छा प्याला, बहुत बेहतरीन पानी, उनके लो पियो, तो मैं ख्वाब में पानी पी रहा हूं, जैसे पानी पी चुका मेरी आंख खुल गई, वो प्यास खत्म हो गई। कैसी खत्म हो गई? फरमाते थे खुदा की कसम खा के कहता हूं कि उसके बाद मौत तक मुझे प्यास की कोई तकलीफ ही नहीं हुई, एक मर्तबा की प्यास ने जिंदगी की प्यास की तकलीफ खत्म कर दी। किसने खत्म की? अल्लाह ने। अल्लाह ये करते हैं, और वो भी जागते में नहीं, नींद में पिलाया, तो ऐसा पिलाया कि मौत तक मुझे प्यास की कोई तकलीफ ही नहीं हुई। ये यकीनी की बातें हैं, उनको यकीन था अल्लाह करने वाला है, मुझे जिस काम के लिए हुजूर ने भेजा है वो काम मैं करूंगा, चाहे प्यासा रहना पड़े, भूखा रहना पड़े, तो भूखा रहना प्यासे तो अल्लाह की तरफ से, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। जी हाँ, ये यकीन आज हमारे पास नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो दीन की, तो वो यकीन पैदा हो गई, क्योंकि ये बातें वहीं मिलती है, दुनिया में नहीं मिलेगी, अखबारों में, न्यूज पेपरों में ये नहीं मिलेगी आपको। झूठी खबरें होगी हाँ, और वो अच्छी लगती है, सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती, झूठी बातें अच्छी लगती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को समझें कि हम ईमान वाले हैं। क्या वाले हैं? हम सबसे पहले ईमान वाले हैं, फिर दुकान वाले, फिर फैक्ट्री वाले, फिर रोहदे वाले, फिर जमीन वाले, वो बाद में। ये हमारा मर्तबा है अल्लाह की तरफ से कि तुम ईमान वाले हो, वो सम्मा को मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, तो सबसे पहले हम मुस्लिम हैं, फिर दुकानदार है, फिर सब कुछ है, वो बाद में।
ये हमारी पहली पहली स्थिति है, पहला स्टेज। ये हर्ष गया फिर कुछ भी नहीं है, विभक्त के सब नाम ही नाम है। आदमी मर जाता है, दुकान उनके नाम पर होती है, नाम है ना तो वो तो रहेगा, फिर नाम भी फना हो जाएगा। इसलिए हम पहले कौन है? ईमान वाले। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करनी है। ईमान वाले के घर में पैदा होना काफी नहीं है, ईमान के दायरे में आकर फिर ईमान काम करना है। ईमान के काम करने में यह है कि हम अल्लाह के हुक्म वाली जिंदगी गुजारे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों वाली जिंदगी गुजारे और इस बात का यकीन करें कि इसी में कामयाबी है, उसके बगैर दुनिया की किसी चीज में कामयाबी नहीं है। मगर इस यकीन को पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत में जाएंगे तो जो सही रास्ता है उसका यकीन आएगा, जो गलत चीजें हैं उसका भी यकीन आएगा कि ये गलत है। जैसे खोटे नोट, ये कुछ नहीं, बच्चे खेलते हैं, हाँ ये उसे कुछ नहीं होता, खोटे बच्चे खेलते हैं। ऐसे हक और बातिल, सही और गलत, हक पर कामयाबी बातिल पर कामयाबी नहीं है, ये इसका यकीन आवे। अभी अभी हाँ तो भरते हैं कि हाँ, लेकिन अंदर यकीन नहीं है, इसलिए जिंदगी लाइन पर नहीं है। सही यकीन सही अमल, हाँ ये जरूरी है, सही यकीन सही अमल, फिर अल्लाह दिखाएंगे अपनी कुदरत। ये जो बात नहीं हो सकती थी वो अल्लाह करके दिखावेगा। जी हाँ, किसके लिए? कि तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ये सब कुछ करेगा। ईमान वालों की मदद करना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, ये कहा कि ईमान वालों की मदद मेरे जिम्मे है। मगर ईमान वाले ईमान तो बताएं अल्लाह को, वो अपना काम करके नहीं बताएं तो मदद कैसे आएगी? इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन पर रहना है, अल्लाह के दीन पर मरना है और अल्लाह के दीन की मेहनत करके, जब अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे तो दीन पर रहेंगे, दीन पर मरेंगे, और जब अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं है तो अपने दीन को भूल जाएंगे, फिर दुनिया वालों के नजरों में जलील भी हो जाएंगे, फिर हमारी कोई गिनती नहीं है। हमारी गिनती हमारे दीन की वजह से है, हमारा मर्तबा हमारे दीन की वजह से, हमारी इज्जत हमारे दीन की वजह से, हमारे पैसों की वजह से नहीं, हुकूमतों की वजह से नहीं है। मुसलमान की इज्जत उसके दीन की वजह से, जब उसके बाद दीन होगा कि अल्लाह अपनी कुदरत के साथ इसके साथ है, इसलिए वो हर हाल में इसकी मदद करेगा। समझ में आई ना बात? जैसे नबियों की मदद हुई, समंदर में भी मदद हुई, मूसा यूसुफ सलाम जेल में थे तो जेल में भी मदद हुई, आग में डाला तो आग में भी मदद हुई, ये क्या ये कुदरत है कि तुम ना घबराओ, जब तुम हमारे हो जाएंगे हम हर हाल में मदद करेंगे, तुम्हारी दुआएं कबूल करेंगे, तुम्हारी दुआओं से तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारी नमाजों से तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारे सदका से तुम्हारे काम बनेंगे। हाँ, ये अमाल काम बनाने के लिए दे हैं दुनिया वाला आखिरत के, कि जिन अमलों पर अल्लाह हमेशा की जन्नत देगा उन्हीं अमलों पर दुनिया की जिंदगी बना देगा। ये नहीं कि दुनिया की जिंदगी फैक्ट्रियों से बनेगी और हराम हराम माल से बनेगी, और नहीं बनेगी। जो अमल जन्नत में ले जाएंगे मौत के बाद, वही अमल दुनिया में भी कामयाब करेंगे। एक ही करेंसी है, दो करेंसी नहीं है। समझ में आई ना बात? ये जो अमल मौत के बाद कामयाब करेंगे कब्र में कयामत में, वही अमल दुनिया में भी कामयाब करेंगे। एक ही करेंसी है, दूसरी करेंसी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाए, कुल हाजी सबीली, नबी से नबी कहते ये मेरा रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जब कोई समझे तो वो खुशनसीब है, न समझे तो उसकी किस्मत। जी हाँ, एक ही बात है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी वाले रास्ते के साथ भेजा है, जो उनके पीछे जाएगा वो कामयाब होगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं होगा। इसलिए उसकी मेहनत करनी है ताकि हक हमारे सामने रोशन हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिरो और चार चार महीने ऐसे लगाओ कि बात रोशन हो जाए। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे रोशन होगी? खाली सुनने से तो कुछ नहीं होता। ये साबुन कैसे बनाते हो, किस तरह बनाते हैं, तो साबुन बनाना सीख लेगा, साबुन बनाने की तरकीब बताई कि यूं साबुन यूं बनते हैं, ऐसे नहीं होता, वो तो सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दीन का भी मेरे भाइयों यही मामला है, हम दीन सीखें, दीन की मेहनत सीखें, फिर देखें अल्लाह क्या क्या करते हैं, तो कैसे कैसे मददें आती है, कैसी बरकतें आती है, कैसी दुआएं कबूल होती है, कैसी बीमारियां दूर होती है दुआओं से। हाँ,
जी हाँ, सारा काम दुआओं से हुआ है, बीमारियां दुआओं से गई है, मोहताजी दुआओं से गई है, दुश्मनों के मुकाबले में दुआ ने काम किया है, आग में और पानी में सब जगह में दुआ काम आई है। बंजर जमीन को आबाद की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से, और जमजम का पानी जारी हुआ, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। ये सब कुदरत की निशानियां हैं, ये हमने किया है, देखो इसलिए इस रास्ते पर चलो, ये दिखाया हमको, इसलिए इरादे करो कि अल्लाह के दीन पर चलेंगे, और चलना उस वक्त आसान होगा जब उसकी मेहनत करेंगे। जो मेहनत करेगा वो चलेगा और दूसरों को भी चलाएगा, और जो मेहनत करेगा वो खुद ही खबर है। इसलिए हिम्मत करो और चार चार महीने अल्लाह के रास्ते में ऐसे लगाओ कि जिंदगी का रुख पलट जाए, भूखे नहीं मरोगे तबलीग करके। हाँ, अल्लाह के दिन का काम भूखा मारने के लिए, ये इतनी बरकतें आवेगी कि देखते रह जाओगे, ये तो बरकतों का रास्ता है। अब हिम्मत करके बोलो। نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه